हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बना रहे हैं प्रसाद। प्रसाद में क्या क्या बना रहे हैं? पंजीरी। पंजीरी, पंजीरी कैसे बनता है? धनिया का। ऐसे का नाम तो पंजीरी, ऐसे लग रहा है पांच पांच कुछ मिला के बनेगा है? क्या बोल रहे हैं जी? बताइए क्या क्या मिला रहे हैं? पंचमेवा। अच्छा, ये सब मिला के प्रसाद बना रहे हैं। ये सुबह में रेडी हुए थे, हमको घर का काम था। तुलसी पत्ता भी डालते हैं। अच्छा, लास्ट में ना तैयार हो जाने के बाद तो ये बना रहे हैं। और यही प्रसाद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रेडी हो चुके हैं और हम घर के काम में बिजी थे, तो थोड़ा हम लेट हो गए हैं। दे रहे ला रहे हैं बाबा भगवान जी के रूम में ही है। और यहाँ पे सब रखे हुए हैं। धो लेते हैं। तो ये प्रसाद बना दिए हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के रखे हैं। तब तक ये अंदर आकर थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे गौशाला। तो हम भी चलते हैं, पूजा वूजा कर लें इनके साथ। दोस्तों, हम हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला। तो अभी मेरे बाल अभी खिला ही है, गुस्सा हो रहा है, जल्दी चलो लेट हो गया। तो घर सफाई पे करना था तो लेट हो ही गया। और पूजा फिर घर पे किया, पूजा कर ली है और अभी निकलेंगे हम लोग गौशाला के लिए। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितना अच्छा कलर आया, तुरंत ही धो दिए थे लगा के, क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी। एक बजे गया था, पेंट किए थे, अभी खाना बनाए थे, खाए थे लो, तो जल्दी लगा के जल्दी धो दिए। और ये मेहंदी हम खुद से अपना लगाएं, और ये मेहंदी जो है ना इनसे लगवाएं। ये देखिए क्या बना है। कोई नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाता है, लग जाता है ना कैसे भी। तो ये लगाए हैं मेहंदी। और अभी हम लोग जाएंगे गौशाला, वहाँ देखते हैं। पहली बार जा रहे हैं, अच्छा लगेगा जाके, ऐसे लग रहा है कि अच्छा लगेगा। देखिए क्या होता है वहाँ पे। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आप लोग से दिखाते हैं। हम लोग गौशाला पहुंच गए हैं और ये जा रहे हैं अब, उधर ही सब गैया है। तो दोस्तों देखो, देखिए कितनी सारी गौ माता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, इतने बहुत दूर में है ये गौशाला। और सब गाय अपनी चारा खा रही है, वो गए हैं गाय के लिए उलाने, क्या बोलते हैं, भूसा और घास उस लेने गए हैं। और गुड़ हम लोग घर से ही लाए थे, 2 kg गुड़। और अब हम लोग खिलाएंगे, वैसे चारा खरीद रहे हैं ये, और अभी तक खिलाएंगे। लेके अब हम लोग जा रहे हैं गैया को खिलाने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग से घर पे भी बोले थे कि अलग ही आनंद आ रहा जा रहे हैं। तो ये 2 पॉकेट खरीद लिए हैं, एक में भूसा, हाँ ले लगाए। अच्छा, दोनों में घास ही है, हमको लगा भूसा है, एक दोनों में घास ही है। और यहाँ से लिए हैं, कितने हुआ? अब खिलाया जाएगा गैया को, अलग ही आनंद आ रहा है। और इतना वजन है कि उठ भी नहीं रहा है, हरा घास है ना तो वजन ज़्यादा है। और हम भी खिलाएंगे, ये खिला लेते हैं उसके बाद। हम तो एक गौशाला जो है ना, बहुत बड़ा गौशाला, जिधर हम लोग गाय को खिला के आए हैं और जो गुड़ है ना बच्चों को खिलाना है, तो हम लोग इधर बच्चों को खिलाने जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा, क्या बोले, बाहर के आए यहाँ से गैया धूप उप लेती होगी, बहुत बड़ा है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा बड़ा गौशाला होता है, क्योंकि पहली बार हम आए हैं। और अब चलते हैं बच्चों को खिलाने, सारे लोग, मैंने सारे लोग, बहुत ही लोग आए हैं खिलाने। और एक बोरा जो था ना उधर खिला दिया, अभी इधर आए हैं ये खिलाने। और ये बड़ी बड़ी सिंह वाली है सब गाय, डर लग रहा है। अच्छा, इसमें बैल भी है, कोई नहीं, इधर है सब। इसमें वाइट वाइट वाली है, मैंने थोड़ी, इधर वाली छोटी सिंह है, इधर दो बड़ी बड़ी सिंह है।
चलिए। ये टेस्ट लेके आ रहा है, दो फ्लेवर इसमें आ रहा है। और हम लोग दूसरे साइड अभी आए हैं, ये बहुत बड़ा गौशाला है। पहले हम लोग उधर थे उस वाले में, उधर से फिर ये बीच में इन लोग को बैठने उठने का मिला और फिर हम लोग इधर आए। हो गया, चलिए ये डाल दीजिए, ये इतना बचा हुआ है। अब हम लोग खिला दिए हैं, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से। और बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी अच्छी है सब गाय, है ना। दोस्तों ये मंदिर है राधे कृष्ण का, और वो अपना हाथ धोने गए हैं, गौ को चारा दे दिए हैं। बहुत लोग यहाँ पे चारा देने आ रहे हैं, बहुत बड़ा गौशाला है ये। और ये अब ये कुछ पूछ रहे थे इनसे, तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी बुक करके घर। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर से कम ही है, बट गाड़ी पे हमें थोड़ा दिक्कत होता इस वजह से हम लोग। हाँ नहीं, उपला नहीं है, कहाँ उपला है, उपला लेके चलेंगे। और अब हम लोग गाड़ी बुक करके निकलेंगे घर के लिए। ये बोल रहे उपला ले लो, तो उपला का काम है क्योंकि शाम को होगा धूप पत्ती होगा ना, इस यहाँ पर उपला रखा हुआ है। और हम लोग ये उपला ले लिए हैं, और ये दिया है, तो दिया कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका काम है आहुत के लिए। तो अब लेके हम लोग चलेंगे। हम लोग घर पर आ गए हैं और ये जनाब माला बना रहे हैं, तो हम लाइट चलाते हैं रूम का और इधर से की वीडियो बनाते हैं, फिर क्लियर वीडियो आएगा। थोड़ी देर घूम के दिखाइए दो। और ये माला बना रहे हैं भगवान जी का, और ये मंदिर को सजा रहे हैं, थोड़ा सा इन थोड़ा सा डेकोरेशन कर दे रहे हैं। बाहर जाना है क्या अभी? बाहर सो दोस्तों हम थोड़ा सा सो गए थे, थोड़ी नींद आ रही थी, लेट सोए थे रात में ना काम धाम से अपने करके, तो अभी उठे हुए हैं। और उठ के हम ये अपना हम माला और ये फल और जगह सेट कर रहे हैं, और अभी उसके बाद हम लोग फिर से नहा धोवा के इधर आइए और पूजा करेंगे ना, तब तक इसको हम सेट कर ले और मंदिर थोड़ा सा सजा रहे, सुन रहे हैं आइए। हाँ, उसके बाद से हम लोग फिर मंदिर को सेट करेंगे अच्छे से, सजा ले, ज़्यादा तो नहीं सजा, थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लोग, क्योंकि हम लोग बाल को पाल रखा नहीं है, जैसे कृष्ण जी का मैंने मूर्ति है। और उसके बाद हम लोग शाम को पूजा वूजा करेंगे, फिर मंदिर जाना है नीचे हम लोगों को। सो दोस्तों अभी हम बना रहे हैं चाय, और ये प्रसाद बन रहा है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों से, यहाँ पर प्रसाद बन रहा है। प्रसाद में मखाना कि यही भोज दिए हैं, फ्राई किए हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू नारियल वरियल ये सब, और यहाँ पे चनामृत बन रहा है, और ये धनिया फ्राई कर दिए हैं। तब इसमें हम तुलसी का पत्ता ला लिए डालने के लिए, जब तैयार हो जाएगा तो डाल देंगे, तब तक चाय बना ले। तो दोस्तों ये साबूदाना नहीं नहीं ये घी है, और ये साबूदाना खरीद के आया है क्योंकि यहाँ पर अरदाना नहीं मिला, अरदाना या रामदाना होता है वो मिला ही नहीं, और ना कौन मिला, जैसे हम लोग गांव में कौन खाते हैं दूध या दही जो जिसको जो पसंद है। तो अभी हम इसका खीर बनाएंगे साबूदाने का, और ये प्रसाद बना रहे हैं, क्या है क्या वो अच्छा धनिया पीस दिया। अच्छा ये प्रसाद यही बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिठाई से ज़्यादा भगवान इस प्रसाद पे खुश होते हैं, है ना, तो ये बना रहे हैं। और तुलसी जी का पत्ता पंजीरी है इसका नाम, और हम वो बना दिए हैं, क्या बोलते हैं चनामृत, वो यहाँ बन गया है, उसे तुलसी का पत्ता डालना है, घी वो डाल दिया हम। तो ये प्रसाद के काम करें, तब तक इधर हम साबूदाना बना रहे हैं, गैस चला दिए हैं, और ये जो मेरे सारे बर्तन हैं अच्छे वाले सब बर्तन हैं, और भी मेरे को पूजा वाला बर्तन मंगाना है, तो आएगा धीरे धीरे करके सब चीज़, ये भी पीसेंगे। तो मीठा कैसा होगा? अच्छा इसे खड़ा नहीं मिला देंगे, खड़ा कुटुक कुटुक करेगा, चीनी है ना छोटा वाला,
चीनी तो यूज हो गई है ना झूठी चीनी। नहीं नहीं ये अच्छा वाला चीनी है 3 पैकेट। कोई नहीं मिला तो क्या दिक्कत थोड़ी है। ठीक है मैं चीनी ऊपर से डलती है। कैसा आवाज आ रहा है दोस्तों, चलते हैं हम इसको साबुदाने को फ्राई करने। घी आया क्योंकि मेरा घी जो था ना नमक से टच हो गया था, तो ये हम दूसरा घी मंगाए हैं। मैंने यही मंगाए 200 ग्राम है पूजा घी, तो इसी में हम फ्राई करेंगे साबुदाने को। और ये देखिए जो ये चीनी है ऐसे लग रहा है कि मैदा है। पूरे डाल दीजिए सही रहेगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अरे ज़्यादा मीठा नहीं होगा, अच्छा होगा। वाह बहुत अच्छा बना रहे, इसमें घी डाल दीजिए और थोड़ा वो भी डाल दीजिए ना, पूरा डाल दीजिए। अभी मेरे पास उस पितर उधर कटोरा रहता है ना, उसमें रखते हैं ना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे पास कटोरा नहीं है। है कि नहीं है? छोटे छोटे वाला हाँ डाल दीजिए, छोटा छोटा है जिसमें हम करते हैं, छोटा छोटा है ना भगवान के पास उसी में चढ़ा देंगे। और पूरा डाल दीजिए ना चीनी को, खीर में डाल देना, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। नहीं मीठा नहीं होगा ज़्यादा, ये वो कर दिए इसलिए ना आपको ज़्यादा लग रहा है। हाँ सही है ना, अच्छा लग रहा है। और घी डाल दीजिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए। तो ये काम कर रहे हैं, अपना भी हम लोग नीचे भी जाना है, रेडी होना है। इसको उसको कर दीजिए ना, क्या बोलते हैं छुहाड़े को कूट दीजिए, कटिंग कर दीजिए छोटे छोटे। तब तक हम अपने इसमें कढ़ाई मेरा गर्म होगा, घी डाल के करते हैं, नहीं तो बोलेंगे मेरे को बता रही है। दे रहे हैं घी। तो दोस्तों देखिए क्या कर रहे हैं, पूरा प्रसाद तैयार यही कर रहे हैं, बस हम अपना चूल्हे वाला काम कर रहे हैं। लाइट चला दे थोड़ा सा, दिखेंगे। और ये क्या निकाले हैं आप, हटिए थोड़ा सा लाइट। वाह कितने अच्छे से निकाल के रखे हैं। और छोटा चम्मच है ना, इसी से निकाले हैं चम्मच, इसको डाल दे चम्मच को इसमें। और ना ये प्रसाद इतना तैयार हो चुका है, अब साबुदाना बनाएंगे तो इसमें रख देंगे हम। अभी वो बन रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा मेरा हेल्प कर रहे हैं आज पहली बार, थोड़ा साइड हुई तो। और यहाँ मेरा साबुदाना बन रहा है, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है साबुदाना। और मीठा बना रहे हैं उसको है ना, गिरेगा नहीं पिघल के गर्मी से, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए बाद में जाएगा। हाँ नहीं गिरेगा, कटोरी में तो गिरेगा, नहीं गिरेगा उसका फैल जाएगा ना, ज़्यादा है ना ऊपर तक। कोई बात नहीं, कटोरी में रहेगा। और मम्मा का लड़का है, छुट्टी हुआ है तो आया है पूजा के लिए, पूजा हुआ है कल जाएगा फिर। इसमें डाल दें क्या? हाँ ये सही था ना, ये सही था, इसको कटोरी में निकाले होते हैं। हाँ तुलसी तो पत्ता लगा रहे हैं वहाँ, अभी डिजाइन बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरा साबुदाना तैयार हो रहा है और हम दही जमाए थे, दही तो जमा दिए हैं बट वही दही से मिला नहीं है, ना रामदाना मिला ना कौन मिला, कुछ नहीं मिला, कोई नहीं। और इतना प्रसाद तैयार हो चुका, बस ये होगा तो हम लोग ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, फिर हम लोग पूजा करेंगे मंदिर में। हाँ तो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, है? गर्मी लग रहा है ना। ऐसा साबुदाना हो चुका है तैयार, थोड़ा सा दिखाइए तो। इसमें ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाला हमने, ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं है तो फिर डाल के क्या होगा। चलो तैयार हो। हाँ आप तैयार होते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने, उसके बाद से हम लोग पूजा वूजा करेंगे। और यहाँ पे इतना सारे प्रसाद तैयार हो चुका है और जो फल फ्रूट से वो भगवान जी के रूम में ही है, चलते हैं रेडी होने। तो दोस्तों अब हो रहा है पूजा और ये माला बना रहे हैं, माला थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, छोटा कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान जी को माला पहना दिया गया है। और यहाँ पे प्रसाद केला से भी यहाँ रख दीजिए,
एक माला कम पड़ रहा था लक्ष्मण जी का, तो तैयार कर रहे हैं। ये वाला भी लाइट चला दो, यही से यही से यही से। अरे वैसे रहने दीजिए, वहाँ पर रहने दीजिए। फूल रखे हैं अभी, अभी तोड़ के लाए थे शाम को। इसमें चीटी घूम रही है, चार लोग हैं, दो दस को कहाँ अब दिए जला के बाहर रखना है। Thank you.
तो दोस्तों हम लोग के घर पे पूजा हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और क्या नहीं के पूजा प्रोग्राम देख कर नहीं तुरंत आ जाने भी देखेंगे क्या स्टेटस है। अच्छा अभी जा रहे हैं घर पे पूजा करके आते हैं, देखते हैं लोग प्रोग्राम हो रहा है तो नहीं आएंगे लोग नहीं कहा जाएंगे तो चलते हैं वहाँ पर मंदिर। चलिए प्रसाद लेकर और मेरे को दो बार प्रसाद मिला। अनिस बोल रहा है आपकी यूट्यूब फैमिली के लिए एक है। आपको क्या क्या मिला है अनिस तुम्हारा? वही मेरे देखो सेम कॉम्बो, मेरे पास चार केले एक मजा और हम लोग का लिफ्ट भी आ गया है। हम लोग चलते हैं सब। चलते हैं फिर हम लोग पेट पूजा करते हैं है ना। तोड़ दिया अपना स्टार्ट है। 12 तो बीत गया ना। चलो अच्छा दिया है। चल के हम लोग भी बैठ के आराम से खाते पीते हैं। मैंने इसकी बैटरी लो हो गई है। हाँ थोड़ा अभी अभी मैंने से खराब है। अरे चार्ज करेगा फुल डोज लेगा नहीं सभी। तो चल आराम करते हैं लोग। यहाँ पे 12:15 हो चुका है और यहाँ पे तो यहाँ पे पूजा खत्म हुआ और ये लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि कब पूजा खत्म हो कि हम लोग अपना पूजा करें। और ये दोनों लोग पूजा पे बैठ गए हैं। यहाँ पे ले लिए माखन छुआड़ा किशमिश पंजीरी पंजीरी बोल रहे हैं और साबुदाना और ये फल फ्रूट से और मज़ा। तो हम लोग हम भी चलते हैं काफ़ी लेते हैं। मेरे को भी भूख लगी हुई है। हम और अनिस तो रह गए ना अनिस मन टक मंगाया गया था दिन में। तो हमने प्लेट लेके नहीं लाए तो है हम थोड़ा सा लेंगे अपने सिक चम्मच ले लेंगे। पानी ला रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का हो गया है क्या हो गया प्रसाद हम लोग खा लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। और ये दोनों आदमी ये चार्ज हो रहे हैं। ये चार्ज हो रहे हैं चार्जर से। रोबोट है, रोबोट। एक एप्पल वाला चार्जर है एक सैमसंग वाला है ना। दोनों तरफ से चार्ज हो रहे हैं। खाना इनका हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सोने। तो इस ब्लॉग के यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे 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 राधे।